हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का रिवीजन वाली सीरीज़। ठीक है, इसमें हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यूनियन और इस टेरिटरी के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक डिटेल वीडियो है जो एम लक्ष्मीकांत के 6th ट्रेडिशन से मैंने बनाया है, उसका डिटेल वीडियो भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत, उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आपको रिवीजन करना है पॉलिटी का तो ये रिवीजन वाली सीरीज़ है पॉलिटी की, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यूनियन इट्स टेरिटरी। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इसके बारे में कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 1 में मेंशन है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, 1, 2, 4 जो आर्टिकल है वो यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में है। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 1 में दो चीज़ मेंशन की गई है, एक तो है नेम ऑफ द कंट्री, दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी। नेम ऑफ द कंट्री मतलब कन्फ्यूजन था कि इंडिया रखें कि भारत रखें, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया दैट इज़ भारत करके नाम दिया हमारे को, मतलब इंडिया है वही भारत है, दोनों नाम को इंक्लूड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब पॉलिटी क्या है, हमारी जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट है मतलब सारे स्टेट मिलके एक यूनियन बनाते हैं। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, यूएसए का जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, उसमें क्या है अलग अलग स्टेट मिलके यूएसए को बनाते हैं, लेकिन इसलिए उसका नाम भी वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन हमारी जो कंट्री है वो पूरी कंट्री एक है और उसी को हमने स्टेट्स में डिवाइड किया है, इसलिए जो हमारी कंट्री है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। और ये क्या होती है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब कोई भी पार्ट कोई भी स्टेट कभी भी अलग नहीं हो सकता है कंट्री से, ये इंडिस्ट्रक्टेबल है। फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट के कंपैरिजन में वाइडर एक्सप्रेशन है। कैसे, यूनियन ऑफ स्टेट्स में तो सिर्फ स्टेट्स को कंसिडर किया जाता है, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में टेरिटरी ऑफ स्टेट्स भी आते हैं। जैसे अभी 28 स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट के बारे में आता है, और जो 9 यूटीज़ है उसके बारे में आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी फ्यूचर में कोई एक्वायर्ड टेरिटरी एक्वायर्ड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बारे में भी आता है, इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है। दूसरा आर्टिकल 2 है जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट को या किसी भी टेरिटरी को यूनियन के अंदर एडमिट कर सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, वो आर्टिकल 2 में आता है, और नए स्टेट्स को भी इस्टेब्लिश कर सकता है, आर्टिकल 2 में ये है। आर्टिकल 3 में है कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि वो जो नए स्टेट्स हैं उनका एरिया इंक्रीज़ कर सकता है, उनकी एरिया डिक्रीज़ कर सकता है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, उनके नेम को भी चेंज कर सकता है। अब आप बोलेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 तो सेम ही हो गया, नहीं सेम नहीं है, डिफरेंट है। कैसे, इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो नए स्टेट को एडमिट कर सकता है यूनियन में, मतलब जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है वो स्टेट को छोड़ के जो इंडिया की टेरिटरी में नहीं आते, उन स्टेट को अगर पार्लियामेंट चाहे तो इंडिया में मर्ज कर सकती है या मिला सकती है, तो वो पावर पार्लियामेंट को दी गई है, वो आर्टिकल 2 में आती है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 3 में जो पावर दी गई है उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं इंडिया में उनको डिवाइड कर सकती है, उनका एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया, तो ये पावर पार्लियामेंट की, तो मध्य प्रदेश जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था इंडिया में, ठीक है, उसी को अलग किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 2 का मैं एग्जाम्पल दूँ कि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तब गोवा दमन एंड दीव हमारी कंट्री की टेरिटरी नहीं थी, वो किसके अंडर में आती थी, पुर्तगीज़ के अंडर में आती थी, पुर्तगीज़ के अंडर में आती थी, तो उनको पुर्तगीज़ से लिया है और कंट्री में मर्ज किया है, तो वो जो पावर है वो भी पार्लियामेंट को है। तो डिफरेंस समझ में आया, आर्टिकल 2 में दूसरी टेरिटरी को इंडिया में इंक्लूड किया, आर्टिकल 3 में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 3 में एक और प्रोविज़न लिखा गया है कि ये जो बिल है, जो स्टेट के एरिया को इंक्रीज डिक्रीज है, स्टेट का बाइफर्केशन करना है, उसको पहले रिकमेंड करना पड़ेगा, किसको, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट उसी सेम बिल को किसको देगा, उस सेम लेजिस्लेचर को। मैं मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन करना था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में,
तो जो लोकसभा है मतलब पार्लियामेंट जो है वो बिल किसको पहले देगी, प्रेसिडेंट को देगी कि हम ये बाइफर्केशन करना चाहते हैं। फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को आंध्र प्रदेश की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको देगा कि हम आपके स्टेट का बाइफर्केशन करना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी बस वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं उनको कि हम डिवाइड करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट हमारी जो है इंडिया की, वो कभी भी हमारी पूरी इंडिया का मैप जो है वो रीड्रॉ कर सकती है। ठीक है, रीड्रॉ कर सकती है मतलब कितने भी स्टेट, किसी भी स्टेट को या तो ज्वाइंट कर सकती है, उनको डिवाइड कर सकती है, उनका एरिया इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, स्टेट का नेम चेंज कर सकती है। तो पार्लियामेंट जो है वो इंडिया का मैप कभी भी रीड्रॉ कर सकती है वापस से। अभी 28 स्टेट है, सबको एक स्टेट बना सकती है, 5 स्टेट में डिवाइड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, इस वजह से हमारा जो इंडिया है उसको क्या बोला जाता है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। स्टेट को तो आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यूनियन को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स में आता है। फिर आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 में क्या बोला है कि जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट, सॉरी ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स और एरिया ऑल्टर करना, ये दोनों जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9 आर्टिकल 368 के अंदर जो आता है उसके अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर नहीं आते कि मतलब इनको पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 368 में दो स्पेशल मेजॉरिटी मेंशन की गई है, एक तो 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए या फिर 2/3 + 1/2 स्टेट से रेटिफिकेशन होना चाहिए। ये दो स्पेशल मेजॉरिटी में आती हैं जो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बोला है कि स्टेट का एरिया डिक्रीज करना, इंक्रीज करना या किसी टेरिटरी को इंडिया में इंक्लूड करना, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं आती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से भी गवर्नमेंट पास करा के कर सकती है। मतलब आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग करना था तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करा दिया और वो बाइफर्केशन हो गया। सेम ऐसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केस में अभी जो हुआ फ्रेशली वाला, उसमें भी सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से उनको पास कराना था। सिंपल मेजॉरिटी मतलब होता है 1/2 + 1, ठीक है, इतने लोगों से पास कराना होता है और वो पास करा दिया और यूनियन मतलब बाइफर्केशन हो गया। ठीक है, अब एक केस आया था बेरुबारी के यूनियन केस 1960, जिसमें बोला था कि जो आर्टिकल 3 है जिसमें एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, न्यू स्टेट्स को फॉर्म कर सकते हैं, क्या वो कवर करता है सेशन सेशन ऑफ द फॉरेन टेरिटरी। मतलब क्या करना है, इंडिया की कोई भी स्टेट को क्या किसी फॉरेन टेरिटरी को दे सकते हैं, मतलब अगर आज हम चाहे क्या पार्लियामेंट ऐसा भी कर सकती है, ऐसा इसने पूछा था बेरुवारी यूनियन केस ने कि अगर इंडिया चाहे तो क्या पंजाब को कभी पाकिस्तान को दे सकती है, नहीं दे सकती, दे सकती है लेकिन उस सिंपल मेजॉरिटी से नहीं दे सकती, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए क्या चलेगा, आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। ठीक है, तो किसी से ले हम सकते हैं इजीली सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन किसी को देना होगा तो उसके लिए क्या चलेगी, स्पेशल मेजॉरिटी चलेगी। ठीक है, ये एक केस था। दूसरा क्या था, अगर दो कंट्री के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे मान लो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस केस में क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी चलेगी या स्पेशल मेजॉरिटी चलेगी। तो बाउंड्री डिस्प्यूट वाला जो केस है उसमें आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हो, बस सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी किस चीज़ में नहीं लगेगी आप वो याद रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों में सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। सिर्फ आपको कोई टेरिटरी फॉरेन कंट्री को देनी है, जैसे मान लो हमने इंडिया की कुछ जो टेरिटरी है वो बांग्लादेश को ट्रांसफ़र की थी, तो उसको पास करने के लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी चलेगी। उसके अलावा आपको एरिया इंक्रीज़ करना है, एरिया डिक्रीज़ करना है, आपको किसी को अपनी इंडिया में मिलाना है मतलब एडमिट करना है किसी स्टेट को, या फिर बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करना है, सारी चीजें किसमें आती हैं, सिंपल मेजॉरिटी से पास होती है। सिर्फ हमारे इंडिया की कोई टेरिटरी अगर फॉरेन को देना है तो उसमें हमको स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इतना समझ में आया, ये था हमारा यूनियन ऑन इट्स टेरिटरी के
मेन. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, कैसे हमारे जो स्टेट्स हैं वो मतलब इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमारे स्टेट्स ऐसे बने. तो स्टार्टिंग में हम सारा कुछ कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का. ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.